ओम गणपते नमः गणेशाय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः। शनि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 से रात को 9:04 और ये वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक। शनि का जो रेट्रोग्रेडेशन पीरियड है, वक्री समय है, ये हमें एक मौका देता है जो गलतियां हमने की हैं उनको सुधारने का। अगर हमें पिछले कुछ समय से लाइफ में चैलेंजेस मिल रहे हैं, स्पेशली 17 जनवरी 2023 के बाद, तो ये वो टाइम है जिनके अंदर जो हमें सबक मिले हैं उनके अंदर करेक्शन करने का। शनि देवता का जो ट्रांजिट है, चाहे वो वक्री में हो, स्टेशनरी पीरियड हो, या जब भी वो राशि चेंज करते हैं, उसका सभी राशियों के ऊपर काफ़ी मेजर असर रहता है। आप जानते हैं शनि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, मेहनत, इनका प्लेनेट है। ये आपकी बाउंड्रीज, आपकी लिमिट्स को सेट करता है। ये आपके कर्मा का प्लेनेट है, ये कर्म फल दाता है। जैसे आपके कर्म वैसे ही शनि के रिजल्ट, क्योंकि शनि को अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपको आपके कर्मों के रिजल्ट देता है। स्लो प्लेनेट है, धीरे चलता है। एक सूरज का चक्कर लगाने में धरती के अनुसार 29.5 ईयर्स 29.5 साल लेता है। हमारे बर्थ चार्ट में शनि जहाँ भी प्लेस होता है, वो जगह आपकी पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट और लाइफ पाथ को इंडिकेट करती है। शनि देवता के पास 2 राशियाँ हैं, कैप्रिकॉन और दूसरी एक्वेरियस, और ये 3rd, 7th, and 10th घर को बेसिकली रूल करता है। एरिस के अंदर डेब्यूटेशन, लिब्रा में ये एग्जॉल्ट हो जाता है। ये प्लेनेट जुड़ा हुआ है हड्डियों से, जॉइंट से, दांतों से, तो जिनके शनि कमजोर रहते हैं, आप देखें उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहेगी, दांतों की प्रॉब्लम रहेगी। ये आपके लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन का आइडिया देता है। क्रूर प्लेनेट है, मास्टर जी है, सख्त वाला, गुरु देवता की तरह नहीं है कि जब आपको वो प्यार से समझाए, शनि देवता जोर से मार के आपको समझाता है। तो शनि वक्री होने जा रहा है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सफरिंग्स हैं, उन सब के पीछे शनि का रोल जरूर रहता है। शनि अगर आपके चार्ट के अंदर फेवरेबल नहीं है और वक्री है, तो जातकों को हमेशा एक गिल्ट लगता है, यार ये मैं काम कर सकता था, मैंने इसको नहीं किया। दिमाग के अंदर रेट्रो शनि एक नेगेटिविटी देता है, डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाता है, कोई भी फैसला लेना दिक्कत होती है, अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट होता है और स्ट्रगल रहता है। आप पावर मिसयूज करते हैं, उसके अंदर आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। सो चलो दोस्तों, वक्री शनि का स्वागत करें ताकि हम अपनी करेक्शंस कर सकें और जो हमने अभी तक लेसन सीखे हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। शनि का इफेक्ट कहाँ पे आएगा? लाइफ के सभी एरियाज में आएगा, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेशन, डिसिप्लिन। अगर आप देखें, शनि जो है ये ट्रांजिट करेगा, वक्री में जाएगा 17 जनवरी को। अभी ये शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, तो उसके शतभिषा के पदा 2 में है। 22 अगस्त को ये पदा 1 में आ जाएगा। शतभिषा राहु का नक्षत्र है। 15 अक्टूबर को ये धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर जाएगा और 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। 24 नवंबर को वापस ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। सो बेसिकली 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री में चलेगा। इस पीरियड के अंदर बृहस्पति जो है वो एरिस साइन में चल रहे हैं, ये भी 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पीरियड के अंदर और कौन कौन से प्लैनेट वक्री होंगे। वीनस शुक्र देवता 23 जुलाई को वक्री होंगे, 4 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे।
बुध जो है लियो साइन में 24 अगस्त को वक्री होंगे और 16 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे। 31 अक्टूबर को राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये पाइसिस के अंदर एंटर कर जाएगा, और 31 अक्टूबर को ही केतु वर्गो में एंटर कर जाएगा। तो देखें अक्टूबर में, 31 अक्टूबर के बाद ये चेंजेस है। 4 नवंबर को शनि जो है वो डायरेक्ट होंगे, और इस पीरियड में जो मेजर कंजंक्शन बनेंगे 22 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक, राहु जुपिटर कंजंक्शन एरी साइन में चलता रहेगा। 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मार्स केतु कंजंक्शन आएगा, और 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सन मार्स केतु कंजंक्शन लिब्रा साइन में बनेगा। इन कंजंक्शन का क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? मंगल और केतु जब 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लिब्रा साइन में होंगे, तो लिब्रा साइन में आप देखें बहुत ज्यादा एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फायर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। ये पीरियड आप वर्ल्ड के अंदर जब देखें कुछ चेंजेस लाएगा, कहीं ना कहीं सरकारों के साथ प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से सन मार्स केतु कॉम्बिनेशन जो है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, इसके अंदर आप देखें कोई ना कोई बड़ा लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडर, इस समय उसके लिए भारी हो सकता है, उसका कोई उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है या उसकी डेथ हो सकती है। इसी पीरियड में सरकारें हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए जो जनता के अंगेंस्ट में हो या फेवर में हो, ओपोजिशन पार्टी उस पार्टी उस चीज़ का हवा बना के उसकी वजह से काफ़ी बड़ा दंगे ऐसी सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों जनरल इफेक्ट देख लें, शनि जो है रेट्रोग्रेड शतभिषा नक्षत्र में हो रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में भी ये बकरी पीरियड में जाएंगे। शतभिषा जो नक्षत्र है राहु का नक्षत्र है, इसके जो प्रिजाइडिंग डाइटी है वो वरुणा है और एलिमेंट वाटर है। धनिष्ठा का स्वामी मंगल है और इसका जो प्रिजाइडिंग डाइटी है वो वासु है और एलिमेंट एयर है। सो जब शनि शतभिषा नक्षत्र में वक्री होंगे तो उस समय आप देखें पानी और वरुण कंट्रोल करते हैं बादलों को, पानी को, उसकी वजह से हैवी रेनफॉल्स, फ्लड्स, साइक्लोन, ये सिचुएशन बन सकती है। अब देखें जैसे ही अभी 14-15 के आसपास शनि रेट्रो से पहले 5 दिन जो स्टेशनरी पीरियड था उसके अंदर जब शनि देवता आए हैं, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ये मेजर साइक्लोन बना है गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में। ये सिचुएशन 17 जून से 15 अक्टूबर के बीच में हमें काफ़ी जगह रेनफॉल्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया काफ़ी सद में अफेक्टेड हो सकता है। जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होंगे उस समय कोई मेजर फायर, अर्थक्वेक, सुनामी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल सकती है। अभी आप ये बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मैंने क्यों बोला है, बिकॉज ये कूर्मा चक्र के बेस पे है और उसका कोई लॉजिक नहीं है। मंगल लियो साइन में 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक है, उसके ऊपर रेट्रो शनि का भी आस्पेक्ट है, और 4 सितंबर के बाद जुपिटर भी रेट्रो हो रहे हैं, मंगल की दृष्टि बन रही है। सो आप देखें ये पीरियड 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक साउथ और ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया की, इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक या साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन सकती है। मतलब सितंबर अक्टूबर के अंदर मेरे को इनके इन स्टेट्स के अंदर कोई दिक्कत नजर आ रही है। उसी तरीके से मार्स केतु कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ही है। सो दोस्तों ये तो हो गया जब शनि बकरी हो रहे, ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा। अगले वीडियो में बात करूंगा सभी राशियों पर उसका क्या प्रभाव रहेगा। आप हमसे जुड़े रहें, आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।